आया था एक कूलर देखने के लिए, तो बहुत सारे डिजाइन के कूलर है, तो फाइनली ये वाला कूलर कंफर्म हुआ है। और सामने जा रही है हमारी सबसे फेवरेट कार जो कि है थार। यार ये लेना है एक दिन, मतलब दिल से खुशी होगी उस दिन जिस दिन ये थार ले लिया मैंने, लगेगा कि मेहनत सफल हुई। उस दिन देखते हैं कितना वक्त लगता है। तो हे फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है, और आज सुबह से मतलब इतनी अच्छी बारिश हो रही है कि बस मतलब बारिश को फुल एंजॉय किया। मतलब कहते हैं ना, नेचर को एंजॉय करना सबसे बेस्ट होता है, वैसे मैंने आज फुल बारिश एंजॉय किया। और अभी तो रुकी पड़ी है, बट कुछ टाइम में लग रहा है फिर से स्टार्ट हो जाएगी। और देखते हैं, अगर हुई तो फिर कहीं चलेंगे, साइकिलिंग करेंगे, देखते हैं। अभी प्लान तो बहुत सारे हैं, अब बारिश हो तब ना फिर किस निकाले प्लान आगे का। थोड़ा मौसम सही सा हुआ तो मैं आया था एक कूलर देखने के लिए, तो मतलब बहुत सारे डिज़ाइन के कूलर हैं सामने देख सकते हो ये। और ये रही हमारी धंडो, इससे आए हैं हम, बाकी पापा वहाँ बैठे हैं। अब देखते हैं इसमें से कौन सा लिया जाता है। बाकी गर्मी बहुत होती है, कूलर नहीं रहता है तो गर्मी से हालत खराब हो जाता है। और वो कूलर थोड़ा ख़राब सा हो रखा था, तो सोचते हैं दूसरा ले लेते हैं। तो चलो देखते हैं कौन सा पसंद आता है, फिर यहाँ से निकलते हैं। तो यहाँ पर भी पिताजी ट्रायल ले रहे हैं, और तो फाइनली ये वाला कूलर कंफर्म हुआ है। बाकी साइज भी बहुत सही है, और एग्जॉस्ट मोटर है तो देखने में भी सही है, तो अच्छा सा लग रहा है कूलर। तो चलो अब से चेक कराते हैं, नोट कराते हैं, फिर से निकलते हैं। तो फाइनली ये निकल चुका है घर के लिए। अब हमारे ये रहा से जाएगा हमारा, बाकी आराम से हेलो। तो फाइनली कूलर तो लेके निकल चुके हैं, और अब हम भी निकलते हैं यहाँ से। बाकी अभी हम आए थे, ये पूरा फर्नीचर का मार्केट है, इंद्रा चौक शायद जगह का नाम बताया गया था, इंद्रा चौक पुराना गेट। अब देखते हैं यहाँ से, बाकी आज थोड़ा बहुत मेरे साथ आप लोग मेरठ एक्सप्लोर करो। मतलब है बहुत भीड़ भाड़, मानता हूँ बहुत भीड़ है, लेकिन ऐसी ऐसी जगह है मेरठ में ना कि मतलब क्या ही कहो, दिल खुश हो जाए तुम्हारा। मतलब खाने पीने की शॉप ले लो, मार्केट इतने सारे ले लो कि आपकी नज़र ख़त्म नहीं होगी, इतने मार्केट है यहाँ पे। हमें आगे से लेना है, और अभी हम एंटर हो रहे हैं यहाँ के स्पोर्ट्स मार्केट। ये मतलब बहुत बड़ा स्पोर्ट्स मार्केट कहते हैं ना वो है। अब यहाँ से थोड़ा आगे निकलते हैं, बाकी यहाँ से ही मैक्सिमम जो स्पोर्ट्स की चीज़ें होती है वो स्पोर्ट होती है। सूरज कुंड स्पोर्ट्स मार्केट है ये, तो इससे बड़ा मार्केट मेरठ में स्पोर्ट्स का है ही नहीं। यहाँ पे तो मतलब देखो दूर दूर तक स्पोर्ट्स से लेकर सारी चीज़ें, बैट ले लो, बैडमिंटन ले लो, जिम इक्विपमेंट्स ले लो, जो भी मिलने को सारी चीज़ें आपको अवेलेबल है यहाँ पे। अरे आज की हमारे नाम यहाँ पे भी रश हो जाता है, क्योंकि डाइवर्ट तो कर देते हैं रूट कभी कभार, तो रश हो जाता है। नहीं चाहिए तो मार्केट है, यहाँ पे नॉर्मल लोग बाइक यहाँ साइड में पार्क करके, कार पार्क करके आराम से ट्रैवल करके चलते हैं। बाकी जो कूलर गया वो अलग रूट से गया है, हम दूसरे रूट से जा रहे हैं। चलो पहुँचते हैं। तो यहाँ पे मेन चीज़ होता है, यहाँ पे मतलब मार्केट ही नहीं है, यहाँ पे एक्सपोर्ट भी होता है। मतलब यहाँ से स्पोर्ट्स गुड्स जो होती हैं वो एक्सपोर्ट होता है, लाइक दिल्ली कर लो, दिल्ली हाँ आस पास कितने भी सिटीज़ में वहाँ पर एक्सपोर्ट होता है। हो सकता है मेरे को यहाँ तक पता है दिल्ली और आस पास जितने भी वहाँ पे एक्सपोर्ट होता है, बाकी कहाँ 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 होगा तो इतना तो डायरेक्ट नॉलेज तो नहीं बता सकते कि कहाँ कहाँ होता है। बाकी हमने क्रॉस कर लिया है अप्रॉक्स पूरा, यहाँ पे हमारी गौ माता खड़ी है,
देख सकते हो कितना बड़ा, मतलब मैंने बोला ना यहाँ पे हर चीज़ का एक सेपरेट मार्केट है। स्पोर्ट्स का देख सकते हो पूरा यहाँ पे कहाँ तक मार्केट है, और ये हमारा सूरजकुंड पार्क है, बहुत फेमस पार्क है। यहाँ पे भी हम आए हैं, आपको ब्लॉग होगा ब्लॉग में देख लेना। आपकी सूरजकुंड पार्क में मेन इंटरेस्ट भी है यहाँ पे। यहाँ पे भी फूड स्टॉल्स, फूड ट्रक भी बहुत सारे मिल जाएंगे, और खाने के साथ साथ पीने की भी चीज़ मिलेगी। और पीने से मतलब मेरा है कोल्ड ड्रिंक्स लाइक सोडा और सोडा और जो भी होगा उससे रिलेटेड चीज़ें। ये देखो सोडे की टॉप तो अभी मैं जिस रूट से जा रहा हूँ वो रूट मतलब पुलिस लाइन का रूट है, और उधर काफ़ी ट्रैफिक सा था तो मैं सोचा रूट चेंज ही कर लेते हैं। तो इस रूट से सबसे बेस्ट रूट है और क्लियर ही मिलेगा पूरा 99%, बाकी 1% का मैं गारंटी नहीं लेता। पहुँचते हैं पहले वहाँ पर पहुँच गए। फाइनली टर्न आ चुका है, हमें घूमना पड़ेगा घर के लिए। बाकी जा तो हम बहुत तरीकों से रखते हैं, बट अब ज़्यादा घूमे फिरे में करेंगे। अरे यार इनको भी घर ही खिलाना है। बाकी सामने से ऑडी जा रही है, क्या सही सेक्सी लग रही है ऑडी, देखते हुए चलते हैं। और सामने जा रही है हमारी सबसे फेवरेट कार जो कि है थार। यार ये लेना है एक दिन, मतलब दिल से खुशी होगी उस दिन जिस दिन ये थार ले लिया मैंने, लगेगा कि मेहनत सफल हुई। उस दिन देखते हैं कितना वक्त लगता है। चलो भैया इस रोड को भी साइड करते हैं, हम कहीं घुस जाते हैं क्योंकि आई थिंक पापा पहुंच चुके हैं और हम देख भूल चुके हैं फटाफट करेंगे। हम पहले पहुंच गए और अब जाके आई कूलर, तो चलो भैया इसे ही उठाते हैं। हालत ख़राब हो गई कसम से, मतलब उठा के लाने में इतनी वेट है, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी वेट था, तो अब कैसे कैसे लाए। बाकी सूरज दादा कुछ देर में एकदम सूर्यास्त कर देंगे अपना, मतलब चले जाएंगे और चंदा मामा आ जाएंगे। तो अभी खाना खाया है, खाना खा के मन किया कि जैन चिकंजी पी लेते हैं ताकि खाना भी पच जाए और थोड़ा टहल भी लेंगे इस बहाने। तो अभी आया हूँ अपने घर के बाहर, थोड़ा जैन चिकंजी लेने के लिए, तो चलो चिकंजी लेते हैं। तो अभी मैं घर जा रहा था तो यहाँ पे हमें आंटी मिली जो कि बहुत अच्छी है, और ये खेल ही रहे थे इधर से मेरे साथ। चलो दोनों का थोड़ा बॉन्ड। बाकी ये है हमारी, ये सुबह आई थी। चलो बाय आंटी, बाय बाय। तो चलो आज के ब्लॉग मतलब इतना ही था, क्या ही बताएं। मतलब आज तो शॉपिंग हुई, बाकी कल देखते हैं, कल भी कुछ होगा तो आपको तो डेली लाइफ में कुछ ना कुछ दिखाना ही है, तो देखना कल क्या होता है, कल मेरी ज़िंदगी का कौन में क्या ट्विस्ट लेती है, अच्छे में लेती है बुरे में लेती है, वो तो ब्लॉग में कल के पता चलेगा। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही था। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो ब्लॉग को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने का बटन दबा दो, मतलब रुकना नहीं चाहिए बटन दबना, ऐसे टैप 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 जितने लोगों सब दबा दो, दबाया 200 लोग देखो 200 लोग टैप करो, 2000 लोग देखो 200000 लोग देखो, जितने लोग देखो बस टैप करते जाओ, ठीक है। उससे एक अलग लेवल का मोटिवेशन, जितनी तुम सब्सक्राइब करोगे ना उतना मेरा एक्साइटमेंट लेवल 100% बढ़ता जाएगा। तो तुम लोग जल्दी समझ लो, अभी तो देख सकते हो मतलब एंड करने में इतना ब्लॉग में एक्साइटमेंट लेवल है, तुम सब्सक्राइब करोगे तो कितना होगा। तो ये बहुत सारी बातें हो गई, बाकी इस ब्लॉग को देखने के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, साथ में टेक।